एंटरप्रेन्योर के लिए मेजॉरिटी आपको मार्केट में ये दिखा देखेंगे कि आप मिड लाइफ, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से तकरीबन लोग मिड लाइफ के पीरियड में एंटर होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। बचपन से ही मेरे उसमें जो है गोल सेटिंग थी। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप आपको तकरीबन इंडिया में पाया जाता, अगर फैमिली की में कोई बिजनेसमैन है पहले से, और या आपके फ्रेंड सर्कल आपके सोसाइटी में आपके महल्ले में कोई बिजनेसमैन है, तो उनको देख के जो है आप बिजनेस तकरीबन जो है करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिसेंटली मतलब 28 अक्टूबर को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट में इवेंट हुआ था, और मुझे वहाँ पे जो है बेस्ट इमर्जिंग लीडर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय एकेडमिक्स, और बेस्ड ऑन माय एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल खदर फिर एक बार एक अहम मौज़ूर ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू आलमी सतह पर कारोबार में कामयाबी हासिल करने के लिए जो अहम उसूल और नुकात की ज़रूरत होती है उस पर होगी। इसके लिए हमारे साथ रियाद सऊदी अरब में मुकीम हैदराबादी नौजवान एंटरप्रेन्योर डॉक्टर उसामा शहरियार साहब ऑनलाइन मौजूद है। डॉक्टर उसामा, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। सर, अगर हम बुनियादी सवाल से हमारी गुफ्तगू शुरू करते हैं, तो हमने देखा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि अर्ली इन आवर इन देयर लाइफ्स अपना जर्नी शुरू करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मिड लाइफ क्राइसिस कहा जाता है उसमें स्टक होने के बाद वो लोग शुरू करते, बहुत से ऐसे हैं कि फैग एंड ऑफ देयर करियर में भी शुरू करते हैं, जैसा कि KFC के जो ओनर है उनका एक एग्जाम्पल सामने आता है। लेकिन ये जो अर्ली शुरू करने का जो फ़ायदा होता है एक एंटरप्रेन्योर को, उसके एस्टैब्लिशमेंट को और फिर सोसाइटी को एट लार्ज, वो क्या होता है? बेसिकली जो है मतलब कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसा आप बताएं कि कई एंटरप्रेन्योर्स है डिफरेंट एजेस ऑफ लाइफ में एंटर किए हैं, तो इस ताल्लुक से जो है कोई ऐसा रूल नहीं है अपने को कि जो है अगर आप अर्ली स्टेजेस में, जैसा कि बिजनेस में बाज वक्त होता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, अगर आप पहली बार जल्दी एंटर कर रहे हैं, जैसा आपके फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन लोग मार्केट में जल्दी एंटर किए थे तो इनको फायदा हुआ था। तो उसी तरह से अगर एंटरप्रेन्योर के लिए मेजॉरिटी आपको मार्केट में ये दिखा देखेंगे कि आप मिड लाइफ, आजकल के ट्रेंड के हिसाब से तकरीबन लोग मिड लाइफ के पीरियड में एंटर होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, यानी कि किस तरीके के पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर के सर्कमस्टांसेस है। कोई रिस्क अर्ली स्टेज में लेना चाहते, कोई वेल सेटल होने के बाद रिस्क लेना चाहते, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक रिस्क। आप रिस्क कैसा इवैल्यूएट कर रहे हैं और रिस्क को आप कैसा मिटिगेट करना चाह रहे हैं, आप रिस्क कौन सी स्टेज लाइफ के कौन से स्टेज में लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आपकी बैकिंग है, आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव्स वगैरह की बैकिंग है, और आप पोटेंशियली प्रोफेशनली अगर आप साउंड है, आप जो भी फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रहे हैं तो आप अर्ली स्टेजेस में भी एंटर हो सकते हैं। अगर आपकी गोल ये है कि भाई आप लाइफ में सेटल होने के बाद आपके पूरे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पूरे करने के बाद अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो उस टाइम पे भी आप एंटर हो सकते हैं। और जैसा कि आप वॉलमार्ट का एग्जाम्पल दिए, तो उस हिसाब से अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई यूथ लास्ट स्टेजेस में भी पूरी अपने जिम्मेदारियां करने के बाद एंटर हो सके, जहाँ के रिस्क कम है, तो बेस्ट एज आपको जो है या तो आप अर्ली स्टेजेस में ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑब्लिगेशंस नहीं रहते और आपकी डिपेंडेंसीज कम रहते हैं। जी जी, डिपेंडेंसीज 20 से 30 के बीच में जो आपकी लाइफ रहती, यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रिस्क, आप जो है यू कैन फॉल एंड यू कैन रेज अगेन, लर्न फ्रॉम इट। जी
आपको जो है वो पीरियड गोल्डन पीरियड रहता है, अगर आप जो है पहले से गोल सेटिंग है आपकी कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। बस जो है सिचुएशन के हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप में आते, यानी कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद बस लोगों को जिस तरीके से मेरा केस है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने के बाद एक सैचुरेशन आ जाता, फिर आपके पास अगर आपकी फैमिली बैकिंग और सपोर्ट है और अगर आप में जस्तजू है होम के लिए कुछ करने का जज्बा है तो फिर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते। तो गोल्डन पे एज आप बोल सकते हैं 20 to 30, जिसमें आपके पास कोई डिपेंडेंसीज नहीं है। मिड करियर जरा बहुत ही रिस्की रहता क्योंकि आपकी फैमिली, खुद की फैमिली रहती है, आपकी पेरेंट्स रहते हैं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, आपके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रहते, करियर रिस्क रहता, तो ये सारे चीजों में मिड करियर इज वेरी चैलेंजिंग। और मेरे केस में मिड करियर ही है, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत रहम करम है और माँ बाप की दुआएं हैं और सारे फैमिली की दुआएं हैं, जो अल्लाह ताला मेरे को जो गोल सेट किए गए थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं कामयाब हो सका। तो जो है मिड कैरियर में यूजुअली आपको परसेंटेज बहुत कम मिलेगा। आजकल अगर आप इंडिया का ट्रेंड देखेंगे तो इंडिया में स्टार्टअप्स का बहुत ज्यादा बूम चल रहा है अभी पिछले एक दो साल से। जो है आपको थोड़े टीवी सीरियल्स जैसा शार्क टैंक वगैरह भी आए हैं जिससे लोगों में जो है मोटिवेशन हुआ है, यंगस्टर्स में जो है मोटिवेशन आया है। तो आप देखेंगे कि करंटली ट्रेंड इंडिया में यूथ पे ज्यादा है, जो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं, और वैसे लोग जो है ज्यादा स्टार्टअप्स में एंटर हो रहे हैं और ज्यादातर आपको जो है आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स मिलेंगे, आपको जो है 90% आईटी बेस्ड स्टार्टअप्स मिलेंगे सारे के सारे इंडिया में फिलहाल। उसमें सर अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि जॉब अच्छे बड़े बड़े कंपनीज़ में, एमएनसीज़ में वो ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद जैसे आपने कहा एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो सैचुरेट फील करते हैं, सैचुरेशन आ गया उनकी करियर ग्रोथ में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जॉब में स्टक रहते हैं, वो एक लीप ऑफ फेथ जो है ना वो नहीं ले पाते हैं। तो आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है, फिर आपके दो कंपनीज़ आपने लॉन्च भी की हैं, तो उसके बारे में थोड़ा आपकी जर्नी बताइए ना। जी एक्चुअली मेरी शुरुआत एंटरप्रेन्योरशिप की आप बोल सकते हैं कि भाई जो है मैं बचपन से ही मेरे उसमें जो है गोल सेटिंग थी, ये मेरे पेरेंट्स की वजह से थी। मतलब मैं जब स्कूलिंग में था तो तभी मेरे पेरेंट्स ने गोल सेट कर दिया था कि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनना है। तो व्हेन आई वाज इन लाइक फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड आई नो कि भाई मेरे को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर बनने का है, लेकिन उस चीज पे आजकल तकरीबन पेरेंट्स करते हैं, गोल सेट करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स की खास खूबी ये थी कि वो रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस करते थे। मतलब ये कि जो गोल सेट करने के बाद जो तकरीबन पेरेंट्स में नहीं पाया जाता कि आप खाली वर्बली बच्चों को बोलते हैं घर पे कि भाई आपको ये बनना है, लेकिन उसके साथ करना क्या है, क्या आपको जो है सपोर्ट देना है, बैक एंड पे क्या सपोर्ट चाहिए पेरेंट्स का, आपके पीछे किस तरीके से मेहनत करनी है, स्कूल को जाके या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाके आपकी प्रोग्रेस के बारे में टीचर से पूछना है या लेक्चरर्स प्रोफेसर से पूछना है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती, जिससे बच्चे के जहन में ये रहता कि भाई देर इज समवन, यानी कि आपके पेरेंट्स है जो आपको फॉलो अप कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस के बारे में नजर है और आपकी चेक एंड बैलेंसेस है एवरी वीक, आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें, कितना डेवलपमेंट आ रहा है, ये तकरीबन पेरेंट्स में ये नहीं पाया जाता। सिर्फ वर्बली बोल देते हैं कि भाई जो है आपको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, लेकिन उसको फॉलो कैसा करना है, उसके रूल्स क्या सेट करना है, फिर बच्चे को एवरी वीक बिठा के उसके ऊपर क्रॉस चेक कैसा करना है कि भाई क्या प्रोग्रेस है, आप कहाँ पे वीक जा रहे हैं, आप कहाँ पे ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरे केस में मेरे को बचपन से स्कूलिंग के टाइम से मेरे पास क्लैरिटी थी कि मेरे को एक इंजीनियर बनना है, लेकिन ये नहीं था कि भाई मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, इंजीनियर बनना है ये गोल मेरे पास सेट था। लेकिन जैसा मैं 10th क्लियर किया
मेरे वालिद जो है मेरे को जो है ट्यूशंस पढ़ाने के लिए फोर्स किया, मतलब 10th में कंप्लीट होते ही मैं 10th क्लास स्टूडेंट्स और 9th क्लास स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और साइंसेस पढ़ाता था। और 10th में ही मेरे वालिद साहब ने मुझे सी स्टडी सर्कल के नाम से एक इंस्टीट्यूट सेटअप करने के लिए बोले और मैं इंस्टीट्यूट सेटअप किया। सेटअप करने के बाद मैं इंटरमीडिएट करते हुए मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था, मतलब कॉलेज से आने के बाद अपनी एमसेट कोचिंग लेके सुबह एमसेट कोचिंग होती थी, फिर मेरा इंटरमीडिएट का कॉलेज होता था, उसके बाद मैं वापस आने के बाद जो है थोड़ी देर 1 to 2 hours मैं जो है ट्यूशन पढ़ाता था अपने इंस्टीट्यूट में, उसके बाद फिर मैं जो है अपनी पढ़ाई करता था। तो इस दौरान में मेरे को जो है जब एंटरप्रेन्योरशिप की चाहत जागी कि भाई क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था पढ़ाने से, मेरे पास स्टेज फियर नहीं था और मेरे पास लीडरशिप स्किल्स आ गए थे थोड़े से, तो वो चीज को मैं जो है आगे समझने की कोशिश कर रहा था कि भाई जो है ये चीज मेरे लिए कैरियर में कितनी फायदेमंद होंगी और ये कहाँ तक जा सकते हैं इसमें, अब सिवाय मैं इंजीनियरिंग करने के। तो इंटरमीडिएट में ही हम लोग सी स्टडी सर्कल मेरे वाली साहब और मैं चलाते थे और ये ओल्ड सिटी हैदराबाद में बारादरी कॉलोनी में हम चलाते थे और तकरीबन मोर देन 100 स्टूडेंट्स डेली हमारे पास पढ़ने आते थे। तो ये सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का तकाजा था क्योंकि हमारा पढ़ाने का स्टाइल वो लोग को ज्यादा समझ में आया था और जिस तरीके से हम ग्रूम अप करते थे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, ओवरऑल एक एज ए वेल ह्यूमन बीइंग इन ए सोसाइटी चाहिए कि उस तरीके से ग्रूम करते थे। तो पेरेंट्स का तकाजा था, उन लोग का सजेशन था कि क्यों ना आप लोग एक हाई स्कूल स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ऑन पेरेंट्स डिमांड हम जो है जब मैं इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में था तो जो हम लोग जीनियस हाई स्कूल के नाम से जो कि बारादरी में है अभी अभी भी 22 साल से चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और फिल वक्त अभी ये स्कूल को मेरे वाली साहब मेरे वालदा देख रहे हैं। और ये स्कूल स्टार्ट करने का मकसद एक ही था कि वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम चाह रहे थे कि अल्लाह ताला जो है हमारे में जो काबिलियत दिया या हमारे में जो नॉलेज दिया हम इसको ट्रांसफर करें, और जो कि सुन्नत है कि जो है अगर आपके पास कोई भी चीज़ बेहतर से बेहतर अगर आपको नॉलेज है तो उसको दूसरे तक पहुँचाना अपना फ़र्ज है। तो इसी ताल्लुक से हम जो है स्कूल स्टार्ट किए थे ईयर 2000 में जो 22 साल से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है अभी मेरे, क्योंकि मैं अभी रियाद में रहता हूँ तो इसीलिए मेरे मैं रिमोटली कनेक्ट होता हूँ स्कूल के बाज़ औक़ात पर, लेकिन डेडिकेटेड माय मेरे पेरेंट्स देखते हैं स्कूल। तो मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी जैसा कि मैं बोला कि भाई मेरे स्कूल स्कूलिंग के पीरियड से ही स्टार्ट हो गई थी और बेसिकली जब मैं इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तब से ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे पास एक तो लीडरशिप क्वालिटीज आ गए थे और रिस्क लेने का मेरे को जो है अंदाजा हो गया था और मेरी डिपेंडेंसीज जो कि पेरेंट्स पे होती है अक्सर, मतलब आजकल तो आप ये देख रहे हैं कि भाई इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी जो है पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, उनकी फीस सारी उनके अखराजात उनके सारे चीजें जो है बच्चों के पेरेंट्स ही निकालते हैं। लेकिन मेरे केस में मेरे वाली साहब मेरे को इतने इंडिपेंडेंट बना दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इंटरमीडिएट से ही अपने खर्चे निकालता था और मैं घर के खर्चे में भी हिस्सा लेता था, रिस्पॉन्सिबल माशाल्लाह। तो मकसद यही था कि मेरे वाली साहब चाहते थे कि भाई जो है इनको एक सक्सेसफुल आदमी बनाए जो कि कौम को कुछ कर सके। हमारे फैमिली का ही यही रुझान है कि भाई जो है हम सोशल वर्क की तरफ डेडिकेटेड रहते और हम जो है सोसाइटी को गिव बैक करने के लिए डेडिकेटेड रहते, चाहे हमारे फैमिली में कोई बिजनेसमैन हो या हमारे पास कोई पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स हो, सारे चीजें हैं, सारे घर वाले हमारे यही लाइफ में मशगूल है, तो ये भी मेरे पास एक एडवांटेज था। एडवांटेज था जी जी उस समय सर, अगर अगर हम देखें कि
बहुत बार ऐसा होता है, आपने कहा आपकी जो पढ़ी है जो है बीटेक आपने हैदराबाद से किया, फिर आपने एमबीए यूके से किया, फिर आपने जो है ना पीएचडी भी की है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के ऊपर। हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ख़ास तौर पे अगर मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स को देखें और फिर दुनिया के दूसरे ममालिक के हम एंटरप्रेन्योर्स को देखें, इन दोनों में एक फ़र्क को महसूस किया जाता है कि हमारे पास जो है हंच के बेसिस के ऊपर और जो एक्सपीरियंस से जो बच्चा सीखता है उसके बेसिस के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो समझता है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज जो है मुझे लोगों से मिलने जुलने से मिलती है, और एक जो बाहर ग्लोबल एंटरप्रेन्योर्स है वो लोग जो है ना लिटरेचर को देखते हैं, कोर्स करते हैं बाज़ाफ्ता जैसा आपने किया पीएचडी। तो ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स में क्या फ़र्क होता है, इनका जो बिजनेस है वो कितना सक्सेसफुल कितनी दूर तक जाता है? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है यूथ के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में और आपके मेथड एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है। जैसा आप बताए कि भाई ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप आपको तकरीबन इंडिया में पाया जाता, अगर फैमिली की में कोई बिजनेसमैन है पहले से और या आपके फ्रेंड सर्कल आपके सोसाइटी में आपके महल्ले में कोई बिजनेसमैन है तो उनको देख के जो है आप बिजनेस तकरीबन जो है करने की कोशिश करते हैं, वही चीज पे जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत सारा रिस्क रहता कि आप लॉन्ग टर्म चलना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता, क्योंकि आपको उसमें मेथोडोलॉजी जो है रिस्क एनालाइज करने की, मार्केट को स्टडी करने की, फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने की, अपने आप को बदलने की एज ए कंपनी अगर आप बदलना चाह रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन आप मार्केट को मैप अप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपके पास कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहती ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप में। आप जो है सिर्फ आप जो देख के सीखे वही आप डिपेंड करते, तो आपकी सोच महदूद हो जाती उसमें और आप उसमें लिमिटेड रिसोर्सेस रहते आपके पास एक्सेस करने के लिए, जिसकी वजह से आप जो है लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता कि भाई आप सक्सेसफुल हो सके। लेकिन अगर आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखें जो मैं अडॉप्ट किया, तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही होता है, मतलब आप जो है एमबीए करते हैं टेक्नोलॉजी के बाद, फिर आप जो है अगर किसी को डॉक्टरेट डिग्री करना है, तो इससे फर्क ये पड़ता है कि भाई आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी चलाने से पहले आप रिस्क इवैल्यूएट अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब आप बिजनेस को का रिस्क प्लान बना सकते हैं, आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं, और आपको पता होता है कि भाई अगर आप बिजनेस में स्टार्टअप ले रहे हैं आप कोई भी बिजनेस में, तो इसमें कितना रिस्क है, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे, आपको क्या फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, आपके पास क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारे चीजें आपके पास प्रायर इंफॉर्मेशन रहती, तो जिसकी वजह से आप वेल प्रिपेयर्ड रहते, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आपके पास एक प्लान रहता प्रॉपर, और आप उस हिसाब से जो है चल सकते, तो उसमें लॉन्ग रन और फेल होने के चांसेस कम हो जाते और लॉन्ग रन में आप चल सकते इसके अंदर। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों। मैं अगर इसका एक पैरेलल एग्जांपल देता हूँ, क्यों अक्सर ये बात होती है कि जो तैरना सीखते हैं स्विमिंग, तो थोड़े लोग ऐसा करते हैं कि तुम पानी में कूद जाओ तुम तैरना खुद ब खुद सीख जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ाफ्ता ट्रेनर के साथ वो लोग सीखते हैं। तो वही चीज़ को शायद मैं समझता हूँ कि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स है, तो तुम पानी में कूद जाओ तुम्हें तैरना आ जाता, इस हिसाब से शायद चलते होंगे वो। राइट, एग्जैक्टली, आप प्रॉपर एनालॉजी दी आप कि भाई जो है अगर जैसा लोग पानी में तैरने के लिए जो है बाज़ाब्ता अगर कोई प्रैक्टिस करते, तो आप वो लोग को देखिए वो एक प्रोफेशनल स्विमर्स रहते, वो लोग जो है कम्पीट कर सकते दूसरे स्विमर्स के साथ और दूसरी मार्केट में, अगर मैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो कि भाई दूसरे मार्केट में जो है आप कम्पीट करने के लिए आप काबिल रहते हैं, क्योंकि पास आपके पास जो है वो स्किल्स रहते हैं और आपके पास पता रहता कि भाई आपने कितनी कैपेसिटी है, आप कितना रिस्क ले सकते, आप कितना रिस्क को डाइजेस्ट कर सकते, और आप में गिव अप करने की एनर्जी कितनी है, आप में पोटेंशियल कितना है दूर जाने के लिए, और आप सब में ज्यादा जो है पेशेंस, आप में पेशेंस कितना है, क्योंकि बिजनेस करने में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती,
और अगर अपने पास पेशेंस लेवल नहीं रहा तो अपन बिजनेस करना मुश्किल हो जाता जी। अगर हम अभी देखें करंट मार्केट को, ये बात बताई जा रही है कि ग्लोबल रिसेशन जो है ऑन द वे है। अब अगर हम टेक कंपनीज़ को देखते हैं, खुद हिंदुस्तान में जो है फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को उसने ले ऑफ किया है, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि एक अप्स एंड डाउन जैसा आपने कहा इकोनॉमी में होते हैं, तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर का बनना, एंटरप्रेन्योर्स का होना, जॉब गिवर्स सीकर से ज़्यादा जॉब गिवर्स होना, ये कितना इम्पॉर्टेंट रहता है? और जो हमारे हमारे ऑडियंस में जो है पेरेंट्स है और स्टाफ टीचर्स है, ये लोग का रोल कितना कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों को ये स्पार्क पैदा करे कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप जॉब गिवर्स जो है ज़्यादा बने रादर देन जॉब सीकर्स? जी बेसिकली ये जो अप्स एंड डाउन्स मार्केट्स में रिसेशन वगैरह चलते हैं, ये तो पूरा इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि भाई जो है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इकोनॉमी और मार्केट्स पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो क्योंकि फिल वक्त तकरीबन आपको बिजनेस गुरुज से सुन रहे होंगे, आप न्यूज़पेपर्स में सुन रहे होंगे कि रिसेशन आने वाला है, 2023 ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। इसके कई वजूहात है, जियोपॉलिटिकल रीजंस है, जैसा कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है और डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, फिर अलग अलग कंट्रीज के लॉबीज है, तो ये सारे चीजें मिलके जो है मार्केट डायनेमिक्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से रिसेशन आता है मार्केट में। रहा सवाल एंटरप्रेन्योरशिप का, इस सिचुएशंस में जो है साबित कदमी बहुत जरूरी है, यानी कि आपको पेशेंस इतना रहना कि आप जो है गिरने के बाद भी उठने की आप में विल पावर रहना, वरना जो है आप कोलैप्स हो जाते हैं। हमारे पास जो है, जैसा कि अब मैं रासा कम्युनिकेशन जो रन कर रहा हूँ, इसमें जो है हम लोग 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से हमारे पास मार्केट डायनामिक्स ऐसी है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, जो रूल्स रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, ये सारे चीजें हमारे फेवर में नहीं है। फिर कोविड भी आया था 2 साल, तो फिर भी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हम 10 साल से चल रहे हैं। इसका रीजन यही है कि हम पेशेंस से और बराबर जो है एनालाइज करके सिचुएशन को, अपनी कॉस्ट कम करके और सर्वाइवल बना के, मतलब गोल जो है इस पीरियड में सर्वाइवल होना चाहिए, ना कि प्रॉफिट मेकिंग। सो ये सारी चीजों को हम एनालाइज करते हुए ये सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मेन एज ए जॉब सीकर या एज ए जॉब गिवर डिफरेंस यही होता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस एबिलिटी फॉर डेडिकेशन एंड पैशन। अगर आप में पैशन है कुछ करने का, तो आप जो है कोई भी सिचुएशन को ओवरकम करने का आपके पास विल पावर रहता। अगर आप रिसेशन भी आया तो आप गिव अप नहीं करते, आप अपने बिजनेस को एनालाइज करके मार्केट के हिसाब से उसको लेके चलने की कोशिश करते। अगर मार्केट आपके फेवर में है तो आप उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करते। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पैशन। जॉब सीकर और गिवर में बहुत बड़ा डिफरेंस है ये, कि अगर आपके पास पैशन नहीं है या आपके पास डेडिकेशन नहीं है, तो फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मतलब आपको एक्सेल करना है कोई भी फील्ड में, तो आपको जरूरी है कि डेडिकेशन और पैशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स ले लें, स्पोर्ट्स में जो भी प्लेयर्स सक्सेसफुल होते, आप उनकी हिस्ट्री को और उनकी लाइफस्टाइल को एनालाइज करके देखिए, उनके पास आपको दो चीजें बहुत मिलेंगी, एक तो डेडिकेशन मिलेगा और पैशन मिलेगा। और जब डेडिकेशन और पैशन आपके पास रहेगा, तो आपको दो चीजें और करना पड़ता, कमिटमेंट और कंप्रोमाइज। अगर आप सिचुएशन को कंप्रोमाइज करने के हक में नहीं है, आप अपने सिचुएशन को चेंज करने के उसमें नहीं है, कंप्रोमाइज आप नहीं करना चाह रहे कोई भी सिचुएशन में, जैसा कि अगर रिसेशन चल रहा है आपको, तो आपका कॉस्ट कम कर लेना पड़ता, आपके खर्चे कम करना पड़ता, डाउन साइजिंग होती, बहुत सारे चीजें निगेटिव वे में जाते। तो उस माहौल में आप एडजस्ट करने की अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, और अगर आप कंप्रोमाइज नहीं कर सक रहे,
तो फिर आप नॉट ओनली एज ए जॉब सीकर या आप जॉब गीवर भी, दोनों में भी आप प्रॉस्पर नहीं कर सकते। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि आपके पास पैशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए, और आप कंप्रोमाइज करने के लिए आप तैयार रहना एनी टाइम। उसामा सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आपको मेघनाथ देसाई ने आपको अवार्ड दिया है एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, आप इसके बारे में बताइए, ये अवार्ड के पीछे आपको क्या चीज़ आपको ये अवार्ड हासिल करने में मदद की है, और दूसरा इसका इम्पैक्ट आपके जर्नी पे कितना पड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जो है रिसेंटली मतलब 28 अक्टूबर को जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके पार्लियामेंट में इवेंट हुआ था, और मुझे वहाँ पे जो है बेस्ट इमर्जिंग लीडर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माय एकेडमिक्स, और बेस्ड ऑन माय एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स। ये चीज़ों को देखते हुए, वो एक प्रोसेस होता है उनका जिसमें वो लोग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को एनालाइज करते हैं कि इनकी एकेडमिक्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, और इनके स्किल्स क्या है, और ये किस तरीके से कंपनीज चलाते हैं, और इनका फ्यूचर गोल वगैरह क्या है। तो ये सारे प्रोसेस के 6 महीने का कुछ प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस गो थ्रू होने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट हुआ और मेरे को ये अवार्ड से दिया गया। और अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें कि भाई अल्लाह का फजल है कि भाई मेरे हर स्टेज पे, चाहे मैं स्टूडेंट रहने दो या एज एन एम्प्लॉय रहने दो या एज एन एम्प्लॉयर रहने दो, ये तीनों कंडीशंस में भी मुझे मुसलसिल अवार्ड्स, गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और ट्रॉफीज और सर्टिफिकेशंस सारी चीजें मिलते रहे। और इसका रीजन एक ही है कि मैं, जैसा भी पिछले सवाल में बताया आपको कि भाई डेडिकेशन और पैशन, अगर ये दो चीज आपके पास है और अगर आप सिंसियर, आपकी नियत साफ है और सिंसियर मेहनत आप कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल कामयाब करता है, आपकी दीन और दुनिया दोनों में भी कामयाबी मिलती है। जी उसामा सर, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशहूर है, जजाकल्लाह खैर। जजाकल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जजाकल्लाह खैर।